अरे दोस्तों, मेरा नाम अंकुर शर्मा, आप देख रहे हैं मेरा चैनल बॉलीवुड स्टार। दोस्तों, जॉन अब्राहम, दिव्या खोसला कुमार की आने वाली फिल्म सत्यम जयते 2 की रिलीज डेट एक बार फिर से चेंज हो गई है। जी हाँ, ये फिल्म आपको पता होगा कि 13 मई को रिलीज होने वाली थी, यानी कि ईद वाले दिन, जिस दिन सलमान खान की फिल्म राधे भी रिलीज हो रही है, ये फिल्म भी उसी दिन रिलीज होने वाली थी। लेकिन आज इस फिल्म की जो प्रोडक्शन कंपनी है, उन्होंने अनाउंस किया कि अब ये फिल्म 13 मई को नहीं रिलीज होगी, क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है और इसके चलते सिनेमा हॉल बंद है। और इस फिल्म के जो मेकर्स हैं, यानी कि टी सीरीज, वो किसी भी हाल में इस फिल्म को ओटीटी पर डालना नहीं चाहती है। तो अब उन्होंने इस फिल्म की जो रिलीज डेट है वो आगे बढ़ा दी है, और नई रिलीज डेट क्या है उसके बारे में कोई जानकारी दी नहीं गई है। और उम्मीद है कि आने वाले 2 से 3 महीनों में इसकी नई रिलीज डेट आप लोगों के सामने आ जाए, जो कि होने वाली है इस साल के एंड तक ये फिल्म रिलीज हो सकती है, ऐसी उम्मीदें भी जताई जा रही हैं। क्योंकि अगले महीने 13 तारीख को रिलीज होनी थी, लेकिन अगले महीने की जो रिलीज डेट थी वो कन्फर्म पोस्टपोन हो गई है। और इस फिल्म को मिलाप जाफरी डायरेक्ट कर रहे हैं, टी सीरीज प्रोड्यूस कर रही है, और जॉन अब्राहम, दिव्या कौशल इसमें लीड रोल में नजर आने वाले थे। तो अब काफ़ी सारी फिल्मों की जो रिलीज डेट है वो आगे पीछे होने वाली है इसी फिल्म की तरह। हालांकि सलमान खान ने तो ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि मैं तो 13 मई को ही लेके आऊँगा फिल्म, चाहे सिनेमा घर खुले या ना खुले। वो कई सारे प्लेटफॉर्म पे अपनी फिल्म रिलीज करने वाले हैं, शायद ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी जिस दिन सिनेमा में रिलीज होगी उसी दिन रिलीज होगी सलमान की राधे। और इसके अलावा काफ़ी सारे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे भी एक एक साथ स्ट्रीमिंग की जाएगी ये राधे फिल्म। और लेकिन बाकी फिल्म के मेकर्स ये कोशिश नहीं कर रहे हैं, और इसी के चलते वो अपनी फिल्म की रिलीज डेट आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।